हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैसमिक इंग्लिश एकेडमी। आज के लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल वर्ब में कैन बी प्लस आईएनजी वाला स्ट्रक्चर को हम देख लेंगे आज के लेसन में। डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ किस तरीके से यूज करें वो, इसका क्या क्या मतलब रहता है और इसको हम डिफरेंट डिफरेंट सेंस में हम इसको इसका क्या क्या मतलब निकलता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बारीकी से कवर करेंगे। सो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कैन बी प्लस आईएनजी वाला जो भी स्ट्रक्चर रहता है इसको अफर्मेटिव में इसका क्या मतलब होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम किस किस सेंस में प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट में अफर्मेटिव में सी कैन बी स्टडिंग इंग्लिश, इसका मतलब होता है कि वो अंग्रेजी पढ़ रही होगी। ठीक है, जब भी हमें होगी वाला सेंस या होगी वाला मतलब को बताना हो तब हमें ये वाला सेंटेंस को यूज़ करना है। और इसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है। और इसका मतलब हमें तीन तरीके से मिल सकता है। एक एबिलिटी के रूप में सी हैज़ एबिलिटी टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है, कि इसका मतलब ये है कि उसके पास एक इंग्लिश सीखने की एबिलिटी है। और उसी तरीके से पॉसिबिलिटी को भी दिखलाता है ये सेंटेंस कैन बी वाला सेंटेंस। इट इज़ पॉसिबल सी इज़ स्टडिंग इंग्लिश, ऐसा मुमकिन है कि वो इंग्लिश पढ़ रहा है। और परमिशन को भी दिखलाता है, जैसे सी इज़ अलाउड टू स्टडी इंग्लिश, ठीक है, उसे इंग्लिश स्टडी करने की अनुमति है। ये सेंस भी हमें मिल सकता है ये एक ही सेंटेंस से। सो दूसरा है नेगेटिव, सी कैन नॉट बी स्टडिंग इंग्लिश, एक ही सेंटेंस है, बस इसको हम नेगेटिव में करेंगे। और इसका मतलब होता है कि वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रही होगी, ये भी आता है इसका सेंस। तो इसको बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट में जब हम वर्ड्स को ऑर्डर करेंगे तो ये नेगेटिव हमारा बन जाएगा। और इसे भी हमें एबिलिटी को भी इसे ये हमें एक्सप्रेस करता है, बताता है, जैसे सी लैक्स द एबिलिटी टू स्टडी, इसका मतलब ये भी होता है कि वो इंग्लिश पढ़ने में वो इंग्लिश स्टडी करने में वो सक्षम नहीं है, उसके पास एक एबिलिटी नहीं है, इसमें लैक करती है वो। और इसी से हम इसका पॉसिबिलिटी भी निकाल सकते हैं, जैसे इट्स अनलाइकली सी स्टडिंग इंग्लिश, ऐसा अस्वाभाविक है कि वो इंग्लिश पढ़ रही है, ठीक है, पॉसिबिलिटी भी दिखा सकते हैं। और परमिशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं नकारात्मक रूप में, सी इज़ नॉट अलाउड टू स्टडी, मीन्स उसे पढ़ने की अनुमति नहीं है, ठीक है, इस तरीके से भी इसका मतलब निकलता है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव, कैन सी बी स्टडिंग इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी पढ़ रही होगी। तो इसे बनाने के लिए हमें कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर में रखना पड़ता है। एंड ये भी हमें एबिलिटी भी बताता है और पॉसिबिलिटी बताता है और परमिशन भी बताता है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव, इसे बनाने के लिए कांट सी बी स्टडिंग इंग्लिश, और इसका स्ट्रक्चर रहता है कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ सकती या तो क्या वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रही होगी, ये भी इसका सेंस होता है। और ये भी हमें एबिलिटी पॉसिबिलिटी एंड परमिशन तीनों ही बताता है। फाइनली है हमारा डब्ल्यू एच वर्ड के साथ स्ट्रक्चर, इसके लिए हमें डब्ल्यू एच वर्ड उसके बाद कैन और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बी प्लस आईएनजी वाला वर्ब रखना पड़ता है। और इसका मतलब होता है वो क्या कर रही होगी, ठीक है, वो क्या कर रही होगी। और ये भी हमें एबिलिटी पॉसिबिलिटी एंड परमिशन तीनों ही बताता है। आई होप आप लोग ये थोड़ा सा वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये वाला वीडियो देख सकते हैं आप लोग।